नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखें उत्तराखंड के जोशीमठ। विधि विधान के अनुसार हुए भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकालीन हेतु बंद। विधि विधान के अनुसार बता दें कि भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकालीन हेतु बंद किए जा चुके हैं। आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं भगवान बद्री विशाल के धाम की, जिस धाम को चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है। बता दें कि भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट अब शीतकालीन हेतु 6 महीनों के लिए बंद हो चुके हैं। वहीं बता दें कि भगवान बद्री विशाल के कपाट शाम 3:35 पर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद हो चुके हैं। भगवान बद्री विशाल के धाम में कपाट बंद होते समय हजारों की तादाद में देश और विदेश से तीर्थयात्री वहां मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए नवीन सिंह के साथ। आई उस समय की जो महाआरती हुई उसमें शंकराचार्य जी महाराज स्वयं उपस्थित थे। शंकराचार्य जी महाराज ने उपस्थित होकर के ये दिव्य दर्शन प्राप्त किया, भक्तों को आशीर्वाद दिया। उसके बाद अब भगवान बद्री विशाल लोक कल्याण की कामना से, सबका कल्याण हो इसकी कामना से अखंड तपस्या में शीतकाल के लिए चले गए हैं। भगवान बद्री विशाल सबका कल्याण करें इसी कामना के साथ हम सभी जोर से एक बार जयकारा लगाएंगे। बद्री विशाल भगवान की जय। विशाल भगवान की जय। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय। माता బద్రీనారాయణ స్వామి దర్శనంకి మేము ఎక్కడి నుంచో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చాం. మాకు దర్శన భాగ్యం చాలా బాగా జరిగింది. ఈ మహాప్రభు హిమాలయంలో ఉండడం చాలా అదృష్టం. యమునోత్రి గంగోత్రి కేదర్నాథ్ బద్రీనాథ్ తిరగాలంటే చాలా కష్టం. ఏ మనుషులు తిరుగుతారు ఒకసారైనా సరే ఈ బద్రీనాథ్ దర్శించుకుంటే దాని తనకు ప్రాప్తి కలిగింది, కుటుంబం శాంతంగా ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మాకు చాలా ఆనందం ఉంది. దశమి ఏకాదశి శనివారం బద్రీనారాయణ స్వామికి ఇష్టమైన రోజు కార్తీక మాసం ఇక్కడికి వచ్చి మేము దర్శనం చేసినందుకు మా మహాప్రభుకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. చాలా ఆనందంగా ఉంది. హిమాలయ ప్రదేశాలు చూడటానికి చాలా ఆనందంగా ఉంది. అందుకని ఈ బద్రీనారాయణ స్వామిని అందరూ దర్శించుకుని అందరూ సౌభాగ్యం పొందాలని చెప్పి ఆ మహాప్రభుని కోరుకుంటున్నాం. ఇంత పర్వతాలు ఇంత హిమాలయ ప్రదేశాల్లో మహానుభావులు వస్తాం, మేము దర్శించుకుంటాం. మాకు ఎక్కడో చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎక్కడో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చాం, ఆఖరి రోజు కాబట్టి మేము చాలా ఆనందపడుతున్నాం. అందుకని బద్రీనారాయణ స్వామికి ధన్యవాదాలు. జై బద్రీనారాయణ స్వామికి జై. నిర్వహణ కర్న జా రహే హై బహుత్ బడీ ఆజ్ కి నహీ నా జానే కితే యుగం యుగం యోగి కి పరంపరా హై और इसके साक्षी हम सब होने जा रहे हैं। विशेषतः आज का दिन देवता लोगों को हम भगवान की पूजा का चार्ज देंगे, अधिभार देंगे। कुछ ही देर में यानी 3:35 पर देवता हमसे चार्ज लेंगे। कहने का भाव प्रत्यक्ष संवाद देवताओं और मनुष्यों का कुछ देर बाद होने वाला है, जिसके लिए मन प्रसन्न है। और 6 माह के लिए हम देवताओं के पास भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा देंगे, नारद जी को पूजा देंगे, पुनः प्रतीक्षा करेंगे आने वाले 6 माह की। और जैसे मैं देख रहा हूँ इस बार कोरोना काल विदा हुआ और खूब यात्रा आई, रिकॉर्ड जैसे कह सकते हो यात्रा हमने देखी। ऐसे में कोई न तो आशा थी और न संभावना थी, भगवान की कृपा से सुंदर यात्रा आई। जो लोग कोरोना काल में दुखी थे इस समय सब प्रसन्न होके जा रहे हैं और पुनः प्रतीक्षा कर रहे हैं। अप्रैल अंतिम या मई प्रथम सप्ताह के वो दिन जब हम भगवान के कपाट खोलने फिर आएंगे। और जो लोग आज बद्रीनाथ आए उनसे निवेदन है कि एक परंपरा है, कहीं शास्त्रीय परंपरा नहीं, एक परंपरा लोग कहते हैं जो कपाट बंद में रहता कपाट खुलने में जरूर आता है, इसलिए आप लोग जरूर आएंगे। ये मेरी आपके प्रति और निवेदन भी है, सद्भावना भी है और साथ ही भगवान से प्रार्थना है सब सुखी रहे। छः माह कुछ कब बीते कुछ पता नहीं लगा और आज काफ़ी भावुक क्षण है कि 6 माह के लिए भगवान नारायण के कपाट बंद होने जा रहे हैं। कुछ ही देर में 3:35 पे परंपरा अनुसार यहाँ पे कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जो इस साल काफ़ी श्रद्धालु आए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले वर्ष पुनः इससे भी ज़्यादा लोग भगवान नारायण के दर्शन करने जरूर पहुँचे।
चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है बद्री धाम, जिस बद्री धाम के कपाट अब शीतकालीन हेतु बंद हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम बद्री धाम, जहाँ के कपाट आप देख सकते हैं अब शीतकालीन हेतु बंद हो चुके हैं। ये सामने का जो नज़ारा है वो बेहद खूबसूरत नज़ारा है। हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं इस वक्त किस तरीके से बद्री धाम में इस वक्त किस तरह का माहौल बना हुआ है, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। नारायण धाम की बात किया जाए तो नारायण धाम इस वक्त सोने की तरह चमक रहा है। हालांकि पहाड़ों की बात की जाए तो ऊंची चोटियों में इस वक्त हल्की हिमपात जरूर देखने को मिल रही है। बता दें कि इस वक्त नारायण धाम में देश और विदेश से पहुंचे हुए हजारों हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ बद्रीनाथ।